धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था, जिसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। माता पार्वती एक दिन स्नान के लिए जा रही थीं और उन्होंने अपने द्वार की रक्षा करने के लिए एक रक्षक बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक छोटे लड़के की आकृति बनाई और उसे प्राणों का संचार कर जीवित कर दिया। इस लड़के का नाम गणेश रखा गया और उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे जब तक वह स्नान कर रही हो। जब भगवान शिव आए तो गणेश ने अपनी मां की बात मानते हुए उनका रास्ता रोक दिया। गुस्से से भरे शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। बेहद दुखी पार्वती ने धमकी दी कि अगर उनके बेटे को दोबारा जिंदा नहीं किया गया तो वो सारी दुनिया को खत्म कर देंगी। पार्वती को शांत करने के लिए शिव ने अपने अनुयायियों को सबसे पहले मिलने वाले जीव का सिर ढूंढने के लिए भेजा, जो एक हाथी था। वो हाथी का सिर लेकर आए और शिव ने गणेश को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने गणेश को यह वरदान दिया कि हर पूजा पाठ में सबसे पहले उनकी पूजा होगी और वो सभी विघ्नों को दूर करेंगे, यानी विघ्नहर्ता बनेंगे। और ऐसे ही हाथी के सिर वाले भगवान गणेश गणेश चतुर्थी के दौरान पूजे जाने वाले हमारे प्यारे देवता बनेंगे।